हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी सपोर्ट हिंदी और मैं आपका दोस्त जितिंदर। दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे एमआई स्मार्ट ब्रांड 4। एक वॉच आई है एमआई की, आपने देखी होगी, तो इसमें क्या क्या है नई चीज़ें। जैसे कि आप जानते हो कि मैं उस हर चीज़ का रिव्यू करता हूँ जिस चीज़ को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वीडियो वॉच को भी मैं कम से कम 1 से 2 मंथ से हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए। तो क्या मुझे लगा क्या नहीं लगा इस वॉच के बारे में, आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ फ्रेंड, आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आईटी स्पोर्ट हिंदी का मेरा चैनल है जिसमें मैं वीडियो डालता रहता हूँ, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ्रेंड, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस वॉच को, तो पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है हार्ट बीट, आप चेक कर सकते हैं। ये वाटरप्रूफ है, 50 मीटर के अंदर आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं। म्यूज़िक कंट्रोल करने का मतलब है कि आप यूट्यूब का या फिर आप रैंडमली कोई गाने चलाते हो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी तो मैं काफ़ी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि ये ब्लैक कलर में है या फिर क्या क्या है, कितनी बैटरी है, तो वो चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ वो चीज़ें बताऊँगा जैसे कि मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ। पहले तो इसकी प्राइस की बात करते हैं, ये 2500 में पड़ती है, तो ये 2500 की है पूरी। ये चाइना की ने बनाई हुई है, ये भी मैं आपके सामने क्लियर कर, शॉमिंग आपको पता ही है चाइना का प्रोडक्ट है तो चाइना का ही आएगा। तो साथ ही साथ अब इसे हम रिव्यू करते हैं और बताऊंगा इसकी बैटरी पैकअप के बारे में। साथ ही साथ ये कलर है तो कलर होने के कारण ये कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं डब्बे को ओपन कर लेता हूँ, आपके सामने मैं डब्बा ओपन करने जा रहा हूँ ये वाला। तो मैंने इस डब्बे को ओपन कर लिया है, तो मैं डब्बे को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, इस डब्बे को ओपन करने के लिए हम डब्बे को, तो मैं देखिए फ्रेंड, डब्बा ओपन हो चुका है। तो ये इसमें एक वॉच है जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो पहली बात तो ये कलर वॉच है, तो आप देख रहे होंगे ये कलर वॉच है, तो इसमें जो भी आप फंक्शन देखेंगे वो कलर वाले होंगे सारे के सारे, ठीक है फ्रेंड। अब साथ ही साथ इसकी चार्जिंग की बात करते हैं, ये चार्जिंग है। आप इसको निकाल के, इसके जो बीच वाला है वो निकल जाता है यहाँ से, पीछे से आप दबाएंगे तो ये चार्जिंग के कुछ पॉइंट है इसके, ये वाले, तो ये यहाँ पे लगते हैं। जैसे ही इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, और ये चार्ज होने में काफ़ी कम टाइम लेता है, कम से कम ये 2 घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है। और बाकी तो इसके आपको टर्म एंड कंडीशन का एक फॉर्म होता है जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसके अंदर ही मिल जाएगा। टर्म एंड कंडीशन का एक फॉर्म होता है जो आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, बट हम मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि ये काफ़ी लंबा काफ़ी कुछ लिखा हुआ है इसमें कि वॉच को कैसे आप अलग कीजिए, कैसे हाथ में लगाइए, ये वो रिंगना अपना काफ़ी कुछ लिखा हुआ है इन्होंने। तो सबसे पहले तो आप देखिए फ्रेंड, वॉच को यूज़ करने से पहले तो मैं दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ आपको। पहली बात तो ये, इस वॉच का जो बैटरी पैकअप है वो 14 दिन का है। मैंने इसे 16 पूरे फुल चार्ज किया था, तो मुझे जब मैंने देखा तो ये इसने सिर्फ 14 दिन का ही मुझे बैटरी पैकअप दिया। 14 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली बैटरी के लिए दोबारा रिचार्ज करना पड़ता है इसे, पहली चीज़ तो ये मैं क्लियर कर दूँ। दूसरी चीज़ फ्रेंड, इसमें काफ़ी न्यू चीज़ें दी हुई हैं इन्होंने इस बारी। पहली बात तो कलर है, आप देख रहे होंगे इसमें आप हार्ट बीट चेक कर सकते हैं, ये तो फंक्शन पिछली वाली में भी थे पर इसमें भी है। अब इसमें ये है कि आप भागते हुए, दौड़ते हुए, साइकिल चलाते हुए, वेट उठाते हुए सब कुछ कर सकते हैं। देखिए मैंने क्लिक कर दिया, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गया, तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया ये भागना मेरा, देखिएगा। इसे इस तरह आप बंद कर सकते हैं, अब मैंने इसे यहाँ पे बंद कर दिया। ये हर चीज़ के बारे में नोटिस कर लेता है और आपको बताता है कि आपने कितनी अपनी कैलोरी को बर्न किया, वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब आगे चलते हैं। हाँ, ये वेदर का ही बताता है, ये आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो इसको आपको स्कैन करना होता है जो कोड यहाँ पे दिया हुआ है। एमआई की एक ऐप आती है, उससे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो ऐप को आपने इंस्टॉल करना है। और साथ ही साथ इंस्टॉल करने के बाद आप अपने मोबाइल को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने का मतलब है कि आपको ब्लूटूथ अपना ऑन रखना मोबाइल का, ये वॉच ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ के साथ आपके मोबाइल के साथ अटैच हो जाएगी और ये चलेगी। साथ ही साथ जो भी अपडेट आपका मोबाइल लेगा वही अपडेट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब ये मैसेज वगैरह भी यहाँ पे आपके शो हो जाते हैं। आप मोर टूल के ऊपर जाते हैं तो आप देखते होंगे कि मोर टूल के ऊपर भी इन्होंने DNS दिया हुआ है, तो अलार्म दिया हुआ है, म्यूज़िक दिया हुआ है, स्विच बोर्ड दिया हुआ है, टाइमर दिया हुआ है,
फाइंड आ डिवाइस दिया, आप फाइंड डिवाइस के ऊपर क्लिक करते हैं तो जहाँ भी आपका मोबाइल होगा वो टीटी करना शुरू कर देगा। आप साइलेंट कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं आप वॉच के सेटअप, ये काफ़ी सारे आते हैं इसमें, आप चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे वो रख लीजिए। एंड कुछ अदर सेटिंग दी हुई है जो कि आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ये ब्राइटनेस वगैरह या कलर वगैरह की सेटिंग है, तो आप यूज़ करना चाहें तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं वॉच के, मैंने आपको फंक्शनों के बारे में बता दिया, कैसे इसे अटैच करना है अपने मोबाइल के साथ मैंने आपको वो भी क्लियर कर दिया है। साथ ही साथ इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी कि किस तरह आप अपने मोबाइल के साथ इस वॉच को कनेक्ट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। पर सबसे पहले तो पता होना चाहिए जो चीज़ आप ले रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है। तो फ्रेंड अगर मुझे कोई बोलेगा तो कि मैं 5 में से इस वॉच को कितने नंबर दूंगा, तो मैं इसको 4.5 नंबर दूंगा। इसका रीज़न भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है जब भी आपको कोई कॉल आती है आप कॉल देख सकते हैं किसकी आई है, उसका नाम आ जाएगा। आप कॉल यहाँ से पिक नहीं कर सकते, सिर्फ काट सकते हैं कॉल। आप इस वॉच पे वॉच के थ्रू उनसे बात नहीं कर सकते, पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूँ। इसके अंदर कोई ऐसा स्पीकर नहीं लगा हुआ जिसके थ्रू आप उनसे बात कर सके। मैंने 4.5 किस रीज़न से, ये वो उसका पहली बात हो, पहला रीज़न तो यही है। दूसरी बात ये, अगर आपके मैसेज जो आपको आ रहे हैं वो इंग्लिश में नहीं होंगे किसी और लैंग्वेज में होंगे, वो एक डब्बे के आकार में शो होने शुरू हो जाएंगे आपके सामने। तो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये किसी भी इंग्लिश की लैंग्वेज को अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज को नहीं उठाता है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम है ये है कि जैसे कि आपको मैं एक मैसेज दिखा रहा हूँ, तो ये मैसेज मुझे आया हुआ है जियो की तरफ से, बट ये मैसेज मुझे किस तरह शो कर रहा है ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये एक डब्बे बन गए हैं। तो ये मैसेज भी प्रॉपर अच्छे तरीके से मुझे नहीं दिखा रहा है कि मेरे जियो के कितने पैसे कटे हैं जब मैंने कॉल की थी। तो ये दूसरी चीज़ है फ्रेंड जिसके कारण मैंने इसे 4.5 नंबर दिए हैं। तो तीसरी और आखिरी चीज़ है इसकी बैटरी। देखिए फ्रेंड, 14 दिन की बैटरी दी है उन्होंने, 14 दिन तो ये वो चलती है, बट आपके यूज़ के ऊपर है कि आपको कितने फ़ोन कितने मैसेज आते हैं। अगर वो मैसेज और फ़ोन की तादाद बहुत ज़्यादा है तो आपकी वो 14 दिन की बजाय 5 दिन भी चल सकती है, 7 दिन भी चल सकती है, वो आपके फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इसकी जो बैटरी है, जो मेरे कॉल या फ़ोन आती हैं वो सिर्फ मैंने देखा है कि वो मेरे पास सिर्फ 15 से 14 दिन काटे हैं इसने। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आपका फ़ोन, कैसी इतनी आपको कॉल आती है, आपके लोगों से बात होती है, और उस हिसाब से ही ये वाइब्रेट भी करता है। साथ ही साथ जब आप हाथ में डालोगे तो ये वाइब्रेट करेगा ऐसे ऐसे, तो जैसे ही आपको पता लग जाएगा कि आपका फ़ोन भी बज रहा है और आपकी वॉच भी हिल रही है। फ्रेंड अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इंक्वायरी या क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।